भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सूर्य नमस्कार के लिए तैयार है। करीब 400 करोड़ की बजट से बना भारत का सूर्ययान 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देश भर की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रॉकेट और सैटेलाइट दोनों लॉन्चिंग के लिए तैयार है। साथ ही इसकी सफलता के लिए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। लेकिन आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस मिशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें और तथ्य। क्या है मिशन आदित्य L1 का मकसद? कोरोना का अध्ययन करेगा भारत का सूर्ययान। लैग्रेंज 1 के पास हेलो ऑर्बिट से सूर्य पर नजर। कोरोना में मैग्नेटिक फील्ड और टोपोलॉजी की स्टडी। सूर्य की संरचना और उत्पत्ति की जानकारी भी जुटाना होगा इस सूर्ययान का काम। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करेंगे पेलोड्स। आदित्य L1 के जरिए हम दूसरी गैलेक्सी के बारे में भी जानकारी पाने की करेंगे कोशिश। मिशन के जरिए हासिल डेटा भविष्य के दूसरे मिशन के लिए साबित हो सकते हैं कारगर। अपने साथ क्या ले जाएगा आदित्य L1? आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर भी अपने साथ ले जाएगा आदित्य L1। आदित्य L1 के साथ कुल 7 पेलोड्स होंगे। अब तक कौन कौन से देश भेज चुके हैं सूर्य मिशन? भारत से पहले 22 सूर्य मिशन भेजे जा चुके हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक सूर्य मिशन नासा ने भेजे। नासा ने अकेले 14 सूर्य मिशन भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर 1994 में सूर्य मिशन भेजा था। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।